Hey, what's up, lovely people? बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फुटेजेस एनालाइज करने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इनमें से कुछ फुटेजेस बहुत ही ज्यादा डरावनी भी हैं। ये वो फुटेजेस का कलेक्शन है जो सारी दुनिया भर से हमने इकट्ठी की है और आज आपके सामने हम दिखाने वाले हैं। सारी फुटेजेस बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए क्योंकि वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है। तो आइए मिलकर एनालाइज करते हैं इन सारी फुटेजेस को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। ये वीडियो अपलोड किया है पेट्रिफाइंग ऑकरेंसेस ने और ये वीडियो एक गैस स्टेशन यानी कि एक पेट्रोल पंप के सुपरमार्केट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें अपने आप ही गिरने लगती हैं। हालांकि हम ये सोच सकते हैं कि उसे गलत तरीके से रखा गया होगा इसलिए वो गिर रही होंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद में अगर आप ध्यान देंगे तो उल्टे हाथ की तरफ जो रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज है उसका डोर अपने आप ओपन होता है, कुछ चीज नीचे गिरती है और वो फिर वापस से बंद हो जाता है। और उसी के थोड़ी देर बाद राइट हैंड साइड की रैक से एक चीज वापस से गिरती है। अभी अभी हमने इस स्टोर में घटित हुए तीन ऐसे हादसे देखे थे जिसे देखकर शायद कोई भी बोल सकता है कि ये एक पैरानॉर्मल घटना है। कई लोगों ने इस वीडियो को देखा, कई लोगों ने इस पर कमेंट भी किया, जिसमें से ज्यादातर के पास में इसका कोई जवाब नहीं था कि भला ये क्या चीज हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये फुटेज रेडिट से है जिसे अपलोड किया था रैफ अंडरस्कोर सी ने। उन्होंने अपना घर हाल ही में रिनोवेट किया है यानी कि पूरा घर चेंज किया है। उस पर रखे सामान में सबसे ज्यादा ये जो कांच की टेबल है इसने उन्हें अचरज में डाल दिया क्योंकि ये रखे रखे एक दिन अपने आप ही फट पड़ी। जब उन्होंने देखा कि घर में टेबल टूटी हुई है, उन्होंने अपना सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो वो ये देखकर हैरान थे कि टेबल के ऊपर का ग्लास अपने आप ही टूट रहा है। तो फौरन उन्होंने ये क्लिप निकाला और रेडिट पर अपलोड कर दिया जिस पर कई लोगों ने अपने ओपिनियन दिए, जिसमें से कुछ लोगों का मानना था कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी आत्मा है जिसको शायद तुम्हारा नया सामान पसंद नहीं आया। जबकि कई लोगों का बोलना था कि शायद ये टेम्पर्ड ग्लास होगा इसलिए ये टेबल अपने आप ही टूट गई है, ये ग्लास अपने आप ही टूट गया है। लेकिन अपलोडर ने उस कमेंट के ऊपर ये रिप्लाई किया कि ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सा ग्लास है। अगर आपको इस टाइप के ग्लास के बारे में ज्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है क्रिस हॉनकोस्की ने और ये वीडियो काफी पुराना है, 2010 का है। यहाँ पर इस कैमरा में एक ऐसी घटना कैप्चर हुई थी जिसे देखने के बाद शायद ज्यादातर लोग ये मान लेंगे कि पैरानॉर्मल चीजें होती हैं। क्रिस बताते हैं कि यह घटना कैलिफोर्निया में स्थित उनके पिताजी के घर की है जब वो काफी छोटे थे और जो घटना यहाँ पर हुई थी उसको कई लोग मजाक ही मानते थे। क्रिस बताते हैं कि इस घर में कई अनहोनी घटनाएं होती थी, जैसे कि चीजों का अपनी जगह से हिल जाना, दरवाजों का अपने आप खुल जाना और लाइट्स का ऑन एंड ऑफ होना। यानी कि वो बोलते हैं कि एक नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं थी जो ये साबित करती हैं कि ये घर भूता था। हालांकि ये लोग ये घर खाली कर चुके थे लेकिन इनकी उत्सुकता इन्हें वापस से यहाँ खींच लाई। इन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाए और रात के तकरीबन 3 बजे ये नजारा कैप्चर हुआ जबकि एक मूर्ति अपने आप ही मूवमेंट करती हुई कैमरा में कैप्चर हुई थी। उनके अनुसार इस क्लिप को देखने पर ऐसा लगता है मानो उस मूर्ति को पीछे से कोई अदृश्य शक्ति धकेल रही हो। जब ये वीडियो इंटरनेट पर आया तो कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि ये भी दावा कर दिया था कि ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये मूर्ति अपनी गर्दन भी घुमा रही हो। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यानी कि क्या वाकई में कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का साया होता है और आप जितना चाहे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर लें वो घर खाली नहीं करते। ये वीडियो अपलोड किया है हेल ऑन अर्थ ने। जैसा कि कहा जाता है कुछ लोग वाकई में बहुत ज्यादा डेयरिंग होते हैं। ये दोनों बंदे आज जमीन के अंदर 1000 फीट नीचे गए हुए हैं। ये दरअसल किसी जमाने में एक माइन हुआ करती थी यानी कि खदान हुआ करती थी, आज ये अबेंडोन यानी कि सुनसान और वीरान पड़ी हुई है। ये लोग हिम्मत करके यहाँ पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा अंधेरा है और गर्मी का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि कितनी गर्मी भी होगी अंदर, फिर भी ये लोग बिना डरे बिना कुछ सोचे आगे बढ़ते चले जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा होता है और पानी ऊपर से पहाड़ों में से बूंद बूंद टपक रहा होता है। खदान में आगे बढ़ते वक्त इनके ऊपर पत्थर के कुछ टुकड़े भी पहाड़ के टूट टूट के गिर रहे होते हैं।
लेकिन बिना किसी की परवाह किए ये अपना मिशन जारी रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये एक ऐसे एरिया में भी चले जाते हैं जहां पर रस्सी बंधी हुई थी, यानी कि उससे ज्यादा जाना आगे अलाउड नहीं है। फिर भी ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। इवन मुझे इस टाइम यहां पर बात करते हुए भी डर लग रहा है कि कितना ज्यादा अंधेरा है। 1000 फीट ये लोग नीचे हैं। इनकी नजर पड़ती है कि एक सीढ़ी है वो और नीचे जा रही है। हालांकि वो जंग खा चुकी है और ये लोग सोचते हैं कि नीचे हमें जाना चाहिए, लेकिन इनके कुछ टीम मेंबर जाने से मना कर देते हैं और आई थिंक उनका फैसला बिल्कुल सही भी था। जरा सोचिए, अगर ये गलती से नीचे चले जाते और सीढ़ी टूट जाती तो शायद इनको कोई बचाने वाला भी नहीं मिलता। क्या आप जाना चाहेंगे इसी जगह पर? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दुनिया में कई चीजें ऐसी होती हैं जो सपने की तरह होती हैं। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लंदन की, जहां पर अंडरग्राउंड ये टनल्स यानी कि गुफाएं बनी हुई हैं। ये बंकरनुमा गुफाएं 1940 में बनाई गई थी। आप देख सकते हैं आज ये हालांकि वीरान पड़ी हुई हैं, सुनसान पड़ी हुई हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान इन टनल्स को बनाया गया था और यहाँ पर लोगों को रहने के लिए शेल्टर भी बने थे। वैसे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितनी भी ऐतिहासिक सिटी हैं, उनके नीचे हो सकता है आज भी पुराने जमाने की ना जाने कितनी इस टाइप की गुफाएं टनल्स बनी होंगी। बहरहाल हम आते हैं इस टनल के ऊपर। इस गुफा के अंदर, इस शेल्टर के अंदर आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है मानो पूरा अंडरग्राउंड शहर बसा हो और ये लंदन के नीचे बसा हुआ है। और शायद कई लोगों को ये जानकर भी हैरानी हो सकती है कि इसके जस्ट ऊपर मेट्रो ट्रेन चल रही है, ये लोग नीचे वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट्स बने हैं, रूम्स हैं, इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई है, हर चीज बनी हुई है। हम एक बहुत महान देश में रहते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे शहर से हैं जो कि ऐतिहासिक हो और उसके नीचे भी इस तरीके की गुफाएं हैं जो कि छुपी हुई हैं, जिनको एक्सप्लोर किया जाना बाकी है, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है जेम्स फिट्स पैट्रिक 18 ने टिकटॉक के ऊपर। आप देख सकते हैं ये उनके ऑफिस का फुटेज है। एक दिन वो जब ऑफिस में अकेले थे तो अचानक से पूरे ऑफिस की लाइट्स ब्लिंक हो रही थी। लेकिन कमाल की बात ये थी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन में कोई फॉल्ट होता तो सब कुछ ब्लिंक होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर लाइट्स ही ब्लिंक हो रही थी। तो फौरन इस बंदे ने अपना कैमरा निकाला और इस वीडियो को शूट कर लिया था। फिर बाद में उसने इसे टिकटॉक पर अपलोड भी किया। कई लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद ये कमेंट किया कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही हो सकती है, क्योंकि ऐसा नॉर्मल लाइफ में तो नहीं होता। ये वीडियो अपलोड किया है एक्सप्लोरिंग विद फाइटर्स ने। ये लोग भी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी सुनसान और वीरान पड़ी हुई टनल के अंदर जाते हैं जो कि किसी जमाने में एक माइन हुआ करती थी, यानी कि खदान हुआ करती थी। आप देख सकते हैं आज इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर कई टीवी, इलेक्ट्रिक सामान, प्लास्टिक के टुकड़े, ये सारी चीजें बह रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पानी है किसी बड़े नाले का है, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। ये लोग बिना हिचकिचाए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं गुफा के अंदर, इस टनल के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है और रास्ते बिल्कुल संकड़े हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस टाइप की जो माइंस होती हैं, जो टनल्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम होता है। जब ये अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें कुएं जैसी कोई चीज नजर आती है, तो ये अपना पानी वाला ड्रोन उस कुएं के अंदर डाल देते हैं और फिर उसे ऑपरेट करके ये अंदाजा लगाते हैं, ये पता लगाते हैं कि आखिर इस पानी में क्या है या फिर इस पानी के नीचे क्या है। लेकिन साथ में ये अपनी जान की बाजी लगाकर बहुत छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर चढ़ते हुए इस जगह पर पहुंचते हैं और इनकी इस मेहनत का फल भी इन्हें यहाँ पर मिल ही जाता है, क्योंकि जब ये अपना ड्रोन पानी के अंदर डालते हैं और ड्रोन को पानी के नीचे ले जाते हैं तो इनका ड्रोन ये कैप्चर करता है कि नीचे कई अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि बड़े बड़े ड्रम, कार का मलबा और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो कोई सोच नहीं सकता कि इस गुफा के अंदर, इस पानी के अंदर पड़ी हुई होंगी। यहाँ तक कि एक चीज इन्हें ऐसी दिखाई देती है जो कि ऐसा लगता है कोई पुराने जमाने की तलवार हो। ये देखने के बाद मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक्सप्लोरिंग विद फाइटर्स जो इनका नाम है, इन पर बिल्कुल सही सूट भी करता है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है, जहां पर हमने देखी कुछ स्केरी वीडियोस कॉट ऑन कैमरा। यहां पर जो दो फर्स्ट वीडियो थी वो तो भूत से रिलेटेड थी, लेकिन उसके बाद की जो वीडियो थी वो भी कोई कम डरावनी नहीं थी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें।
तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।